कैसे हैं आप? आशा है, अच्छा है। तो इसमें जो है हम क्वेश्चन जो है 18 देखते हैं। इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर बाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3 एम स्ट्रॉन्ग। तो एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, है ना? ठीक है भाई। तो उनका जो सेपरेशन का डिस्टेंस है, मान लो आर, या अपन ने जो डी ले लिया 0.3 एम स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 0.53 × 10⁻¹⁰, है ना, मीटर में। फिर है कि एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी निकालना, और टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस है, ये प्रोटॉन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अगर ये इन्फिनिटी पे है तो उस केस में क्या हो रहा, जीरो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा है, व्हाट इज़ द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। मिनिमम वर्क कितना होगा इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट ऑफ हाफ ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेंड। ठीक है, ये भी आपको दिया है कि जो इसकी एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी की हाफ है ना। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। तो हमें ये मालूम है पोटेंशियल एनर्जी अगर अपन निकालते हैं तो क्या होगा, 1/4 πε₀। और जो चार्ज होता है Q1 Q2, एक चार्ज को दूसरे चार्ज से पास में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, और साथ में जो डिस्टेंस होता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम इसके आधार पे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से ले ले, ये क्लियर है द डिस्टेंस बिटवीन, ये अपन ने डी माना है, Q1 जो प्लस है ना वाला, ये सॉरी ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन पे है, और ये Q2 ये प्लस चार्ज है। हाइड्रोजन में हमें मालूम है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल अपन ने जीरो माना है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पी सिस्टम लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कह रहा, और पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस डी पे, तो इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिए हैं, और इस पे हो जाएगा माइनस Q1 Q2 4π₀₀ और डी। ये जो फार्मूला बताया आपको पोटेंशियल एनर्जी का, वही वाला हो जाएगा। अब ये तो आपको मालूम है, इतना होता है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते तो ये हो जाएगा आपका −43.7 × 10⁻¹⁹ जूल। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इक्वल देन होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, तो हमें यहाँ पे ये जो आपका दिया हुआ जूल में दिया है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो −27.2 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ से हम जो है पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। ये हो गया। अब ये कहा कि भी काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ थी पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, है ना, तो यहाँ पे निकल जाएगा। सो टोटल एनर्जी अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 13.6 और −27.2, तो ये आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी कहलाती है। ठीक है भाई, तो ये इतनी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने माना था व्हेन जीरो पोटेंशियल एनर्जी टेकन, है ना, मान लीजिए 1.06 पे मानेंगे, तब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी एट D1 होगा, और पोटेंशियल एनर्जी एट डी डिस्टेंस पे लेते हैं। तो यहाँ से ये लेंगे डी डिस्टेंस पे, तो आपका इतना मिला हुआ था, और ये D1 यहाँ पे माना है ना, दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था देख लीजिए, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था, व्हाट आर द आंसर टू बी 1 एंड a above इफ़ जीरो पोटेंशियल एनर्जी टेकन 1.06 एम स्ट्रॉन्ग सेमेस्ट्री, ये माना था, है ना। तो ये नया डिस्टेंस अपन ने माना हुआ है यहाँ पे, तो उस केस में यहाँ पे कितना हो रहा है, ये वाला डिस्टेंस 1.06, तो ये वाला ये नया माने हैं अपन ने D1, और ये माइनस ये पहले से मिला हुआ है हमको पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो ये सॉल्व कर देते तो ये आ जाएगा फिर से −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, तो ये उसी के बराबर मिलेगा आपको, ये जो काइनेटिक एनर्जी जो आपने निकाले हुए थे उसी के आसपास मिलेगा। ठीक है, ओके।
इसके बाद वाला क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है, तो इसको आप बना सकते हैं। इसमें आपको डिस्टेंस मालूम होना चाहिए और साथ में पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फार्मूला था वो मालूम होना चाहिए। ये देखिए, इफ़ वन ऑफ द टू हाइड्रोजन, पहले अपन ने एक लिया था 2H2 मॉलिक्यूल्स इज रिमूव, वी गेट ए हाइड्रोजन मॉलिकुलर आयन H2+ हो गया इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन H2+, द टू प्रोटॉन आर सेपरेटेड बाय रफली 1.5। तो दो प्रोटॉन ले लिया, मान लीजिए एक ये प्रोटॉन है और एक ही ये प्रोटॉन ले लिया, ये कितना है 1.5 एमएस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस पे है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली है ना 1 एमएस्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन जो है ये ले लिया तो 1 एमएस्ट्रॉन्ग के डिस्टेंस पे फ्रॉम ईच प्रोटॉन, ठीक है भाई। डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ना, पोटेंशियल एनर्जी फिर से निकालना, और स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे है ना, Q1 Q2 Q2 Q3 एंड Q3 Q1, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है भाई। इसके बाद वाला देखें, 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी है ना, 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है मान लीजिए, एक का जो है रेडियस ए है और दूसरे वाले का रेडियस मान लीजिए यहाँ से बी है, ठीक है। कनेक्टेड टू ईच अदर बाई वायर, मान लीजिए एक वायर के जरिए दोनों इस तरीके से कनेक्टेड हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ टू स्फेयर। तो आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है रेशियो पूछा है सरफेस, इनके सरफेस पे ऊपर, यूज़ द रिजल्ट ऑब्टेन टू एक्सप्लेन वाई चार्ज है ना, ठीक है, डिस्ट्रो ऑन द शार्प पॉइंटेड एंड है ना। तो चार्ज जो है ऑफ ए कंडक्टर इज हायर देन और फ्लैटर पोर्शन, जो जो आपका शार्प वाला एजेज होता है वहाँ पे स्प्रेड जो होता है वो ज़्यादा होता है ना, ठीक है, बजाय कि जो आपका फ्लैटर सरफेस होता है इस तरीके का, मान लीजिए यहाँ से चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये आपका ए रेडियस और बी दिया है, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे अगर आपको डेफिनेशन या फार्मूला मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4π ε0 और यहाँ से Q/r² ये फार्मूला है, इसके बेस पे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले ए वाले का ले लेते हैं, उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाले का लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा 1/4π ε0, फिर से जो चार्ज है ना, ठीक है भाई, बी वाले की वजह से और ये ए वाले की वजह से, और बाय ये r², ये रेडियस ए हो जाएगा, ये रेडियस बी हो जाएगा, दोनों मिला के हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, तो पहले वाला आपका दिया है, लेट ए बी द रेडियस ऑफ स्फीयर ए और क्यू ए, तो ये चार्ज ऑन स्फीयर दे दिया, और सी ए यहाँ पे मान लीजिए कैपेसिटेंस हो रहा, ऐसा ही बी वाला जो है एक ले लेते हैं स्फीयर जिसका जो है रेडियस मान लीजिए हम क्या मान लेते हैं आर बी बी माना हुआ है, और क्यू बी उस पर चार्ज मान लीजिए तो है ना, और सी बी उस पर कैपेसिटेंस मान लिया। अब ये दोनों जो है कनेक्टेड है वायर से, तो पोटेंशियल दोनों के बीच में सेम होगा, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब तक दोनों जगह पोटेंशियल सेम नहीं होगा चार्ज फ्लो होते रहेगा, ठीक है ना। तो ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्फीयर ए ले लेते हैं और ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्फीयर बी लेते हैं, तो ई ए जैसा अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, तो ये 1/4π ε0 है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिया था, मान लीजिए चार्ज क्यू ए है और हो जाएगा r² है ना, तो ये मिल जाएगा हमको एक, तो यहाँ पे आपने क्या माना था a² है ना, तो ये a² हो जाएगा, ऐसा ही ई बी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4π ε0 और यहाँ से क्यू बी और बाय b² ये सेकंड हो गया। अब ये इनका रेशियो या दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो देखिए ई ए बाय ई बी, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4π ε0 और यहाँ से क्यू ए बाय यहाँ से a² और इंटू यहाँ से हो जाएगा 4π
एप्सिलॉन नॉट, और बी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से क्यू भी है ना, तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया ये बाय ई बी इक्वल देन, यहाँ से बच जाएगा क्यू ए चार्ज और बाय ए स्क्वायर, या क्यू ए क्यू बी लिख लीजिए एक साथ, और यहाँ से ले लीजिए बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना, ये क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये वाला हमको मिल जाएगा। अब आपको मालूम है सी इक्वल देन क्यू बाय ए होता है ना, सॉरी सी इक्वल देन क्यू बाय वी होता है ना। तो यहाँ से क्यू इक्वल देन, यानी ये जो चार्ज आपको दिया है क्यू ए क्यू बी, तो यहाँ से होगा सी और वी, तो आपका वी तो सेम है, तो क्यू ए यदि अगर लेते हैं आप तो सी ए और वी सेम है, ऐसा ही क्यू बी कर दो तो सी बी और वी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि सी ए सी बी बराबर हो गया क्यू ए क्यू बी, यानी यहाँ जो आपने फार्मूला रखा था क्यू ए क्यू बी की जगह रख दीजिए, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो वैल्यू दिया है ई ए ई बी इक्वल देन क्यू ए क्यू बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से सी ए सी बी है, सी ए और सी बी है ना, तो ये आ जाएगा इनटू पहले से कितना है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है। अब बट सी ए बी और सी ए और सी बी की वैल्यू ये कितनी है, यहाँ से ए और बी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्यू ए और क्यू ए बी की वैल्यू यहाँ पे सी ए और सी बी है, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो ई ए ई बी और यहाँ से आपका आ जाएगा ए बाय बी इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए ये, तो ई ए बाय ई बी इक्वल देन बी बाय ए होगा, ठीक है भाई। तो ये यहाँ से ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद वाला भी जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपका दो चार्ज ये हैं लोकेटेड है ना, ये पॉइंट है 0 0, तो ये मान लीजिए एक्स वाई और ये जेड पॉइंट है, ऐसा ही ये एक्स वाई और ये जेड पॉइंट है ना, तो रिस्पेक्टली व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट है ना, तो इसमें आपको डिस्टेंस पे बताया, ऑप्टन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन वे आर बाई ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है दो चार्ज ये ले लीजिए और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछ रहा है आपको, तो ये जो है हम वो डिस्टेंस के बेस पे निकाल सकते हैं, तो इसको आप बना के देखिए, वो ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को बनाए हैं, ठीक है भाई।